यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जम कर लड़ा नहीं। कॉम टेरिया, सभी पढ़ें सभी बढ़ें। इन द प्रीवियस लेक्चर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी वी विल डिस्कस अबाउट बुद्धि लब्धि के आधार पर टर्मन के वर्गीकरण का तालिका प्रदर्शन, जिसमें हम लोगों ने 140 से ऊपर 131 से 139 और इसी क्रम में 0 से 24 बुद्धि लब्धि तक के हर प्रतिशतता और इनके प्रकार के वर्गीकरणों के बारे में, इसके साथ साथ बुद्धि लब्धि के आधार पर टर्मन का वर्गीकरण और जेनेटिक फैक्टर्स, मेजरमेंट फैक्टर्स और भी काफ़ी रोचक पॉइंट्स पर हमने चर्चा की। कॉन्टेंसी ऑफ आईक्यू स्कोर्स, नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टर्मन क्लासिफिकेशन। टर्मन के द्वारा दिया गया बुद्धि समूह का वर्गीकरण सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है और इस मोड़ का न्यूनतम बिंदु जड़ का है। जड़ व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 25 से नीचे की होती है और उनकी मानसिक आयु 3 वर्ष होती है। कुछ सामान्य शब्द सीख पाते हैं और वे अपने आप को साफ करना, कपड़े पहनना इत्यादि नहीं सीख सकते हैं। इनकी देखभाल घर या संस्थान में होनी चाहिए और मूल की बुद्धि लब्धि 25 से 49 और मानसिक आयु 3 से 7 वर्ष के बीच में होती है। वे बोलना सीख सकते हैं, यहाँ तक कि बहुत आसान प्रोस को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें दूरदृष्टि और आसान गद्य को उसमें दूरदृष्टि और योजना योग्यता का अभाव हो जाता है और वे दैनिक कार्यों को भी बड़ी कठिनाई से कर पाते हैं और पर्यवेक्षणाधीन भी होते हैं। और मूर्ख की बुद्धि लब्धि 50 से 69 और उनकी मानसिक आयु 8 से 10 वर्ष होती है। उन्हें प्रायः बहुत से उपयोगी कार्यों को सिखाया जा सकता है, जैसे कि बुनाई, प्लेट साफ करना, गृह कार्य करना, घरेलू सेवाएं और सामान्य यांत्रिकी कार्य करने उनके लिए उपयुक्त होता है। उनको पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है, वे गंभीर समस्या बन सकती है अगर उनको पर्यवेक्षण न मिले तो। एक मूर्ख लड़की प्रायः मूर्खों से सीमा रेखा कमी उत्तम होते हैं। वे शारीरिक कार्य और यांत्रिक कार्य कर सकते हैं जहाँ मूर्ख चिंतन की आवश्यकता होती है। निम्न औसत औसत प्रकार से कुछ ही नीचे होते हैं और उच्च कार्यों में उच्च औसत प्रयुक्त होते हैं। चिकित्सा के इंजीनियर और प्रशासक इनमें से ही होते हैं और अति उच्च और मेघावियों की संख्या सीमित है, वे समाज की संपदा हैं। मैंने जो आपको टर्मन का चार्ट बताया था, बुद्धि लब्धि के आधार पर टर्मन के वर्गीकरण का तालिका प्रदर्शन, उसी तालिका के आधार पर जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में उस PDF की लिंक दी थी, उसी तालिका के आधार पर मैं आपको ये मूल आधारित टर्मन के वर्गीकरण के बारे में बता रहा था। अभी मैं अपने PDF नोट्स में मूल आधारित टर्मन वर्गीकरण का एक चार्ट ग्राफ भी इंक्लूड कर लूँगा लेक्चर ख़त्म होने के बाद। लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि के घटक संगठन कार्य करने की व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। मूलतः बुद्धि का प्रत्येक सिद्धांत इस प्रश्न का उत्तर देने का ही प्रयास करता है कि बुद्धि काम कैसे करती है। बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्याता इस बिंदु पर सहमत हैं कि प्रत्येक सिद्धांत निश्चित कारकों के शब्दों में निर्मित और अभिव्यक्त किया जा सकता है। इसीलिए सभी ने अपने सिद्धांत के निर्माण में सांख्यिकी तकनीकों के सहसंबंध और कारक विश्लेषण का उपयोग किया है और हम इस प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कर सकते हैं, जिसे मैं आपको सिद्धांत पहला बताता हूँ। थॉमस द्वारा दिया गया एकल कारक सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी बाय थॉमस। दूसरा है स्पीयरमैन द्वारा द्विकारक सिद्धांत। तीसरा है थर्स्टन द्वारा समूह कारक सिद्धांत। चौथा है थॉर्नडाइक द्वारा बहुकारक सिद्धांत। पाँचवा है गिलफोल्ड द्वारा एक रूपता कारक सिद्धांत। इसी प्रकार से हम इन सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। तो हमें केवल 3 सिद्धांतों की परिचर्चा करनी है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी एंड नाउ थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत, थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी एंड थॉर्नडाइक्स मल्टी फैक्टर थ्योरी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी। इसके व्याख्याता ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक कार्ल स्पीयरमैन है, जो कि सहसंबंध की सांख्यिकी तकनीक का प्रयोग करते हुए उन्होंने बुद्धि के कार्य की व्याख्या के लिए द्विकारक योग्यता को बताया है। इनके अनुसार बुद्धि में 2 प्रकार के कारक क्रियाशील होते हैं, जी कारक या सामान्य कारक, जी फैक्टर आर जनरल फैक्टर एंड एस फैक्टर आर स्पेसिफिक फैक्टर। प्रत्येक बौद्धिक क्रिया जी या सामान्य कारक और यस या विशिष्ट कारक का परिणाम होती है और जो उस क्रिया से संबंधित होता है।
किसी विशेष क्रिया के लिए कितनी जी की मात्रा और कितनी एस की मात्रा की आवश्यकता है वह उस कार्य की प्रकृति पर निर्भर करेगा। अगर हम उदाहरण देखें तो गणित और श्रद्धालु की क्रियाओं में जी की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है और एस की कम मात्रा की, और जबकि संगीत और पेंटिंग और चित्रकला की बात करें तो इन क्रियाओं में जी की कम मात्रा और एस की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। स्पीयरमैन ने बुद्धि के सिद्धांत को समझने के लिए जी कारक और एस कारक की स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन की बात की है। जो भी स्पेशल सैलिएंट फीचर है उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ कि जी कारक की प्रथम विशेषता ये है कि इसे सामान्य योग्यता, मानसिक योग्यता या आम योग्यता के रूप में हम मान सकते हैं, और ये मान सकते हैं कि व्यक्ति सामान्य मानसिक ऊर्जा रखता है। और जी कारक जन्मजात या आंतरिक होता है। इस कारक की मात्रा व्यक्ति के गर्भधारण के समय से ही निश्चित हो जाती है। और अगला बिंदु है कि मनुष्य द्वारा की जाने वाली समस्त क्रियाओं में ये कारक सम्मिलित होता है और समस्त कार्यों के लिए इसकी आवश्यकता होती है, और कोई भी बौद्धिक क्रिया इसको सम्मिलित किए बिना नहीं की जा सकती है बिना जी कारक के। नाउ एक व्यक्ति विशेष के मामले में इस कारक की मात्रा स्थिर रहती है, जैसे कि व्यक्ति द्वारा किए जाने वाली समस्त क्रियाओं के मामले में इसकी मात्रा समान और अपरिवर्तित रहती है। अलग अलग व्यक्तियों में इस कारक की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। और अगर आगे चर्चा करें तो आदतन, प्रशिक्षण या अधिगम के प्रभाव के द्वारा जी कारक प्रभावित या परिवर्तित नहीं होता है, और जी कारक सार्वभौमिक होता है, जैसे कि समस्त मानवीय मामलों में ये पाया जाता है। मानवीय जीवन में सफलता के लिए जी कारक उत्तरदायी होता है। अगले बिंदु की चर्चा कर लेते हैं। इस एक व्यक्ति के मामले में जी कारक की मात्रा जितनी अधिक होगी, व्यक्ति अपने जीवन में उतना ही अधिक सक्सेस होगा। अब अगर हम करेक्टरिस्टिक ऑफ एस वेक्टर्स की बात करें तो एस कारक को व्यक्ति द्वारा बौद्धिक क्रिया को करने की विशिष्ट या विशेष योग्यता कहा जाता है, और मनुष्य द्वारा की जाने वाली समस्त क्रियाओं में ये कारक सम्मिलित नहीं होता है। ये विशेष प्रकार की क्रियाओं या कार्यों में सम्मिलित होता है। विशेष व्यक्ति के मामले में एस कारक की मात्रा स्थिर नहीं होती है, लेकिन व्यक्ति को अलग अलग क्रियाओं के मामले में इसकी मात्रा भिन्न भिन्न होती है। कुछ क्रियाओं में इस कारक की अधिक मात्रा सम्मिलित होती है, जबकि कुछ क्रियाओं में इसकी मात्रा कम सम्मिलित हो सकती है। एस कारक की संख्या और उनकी मात्रा अलग अलग व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। एस कारक अधिगम और आदतन प्रशिक्षण के द्वारा प्रभावित और परिवर्तित होता है, और एस कारक एक नहीं होता है। ये व्यक्ति विशेष के मामले में बहुत से एस कारक हो सकते हैं। एस कारक को व्यक्ति द्वारा रखी जाने वाली विशिष्ट मानसिक ऊर्जा माना जाता है। एस कारक को वातावरण में अर्जित और सीखा जा सकता है। विशेष क्षेत्र में व्यक्ति की सफलता के लिए एस कारक उत्तरदायी है। और अगर हम आगे चर्चा करें तो एस कारक की जितनी अधिक मात्रा होगी, व्यक्ति क्षेत्र विशेष में उतना ही अधिक सफल होगा। स्पीयरमैन ने कहा है कि एक व्यक्ति में जी कारक सदैव समान तरीके से कार्य करता है, लेकिन एस कारक एक व्यक्ति में अलग अलग कार्यों के लिए भिन्न भिन्न होता है, और प्रत्येक कार्य क्रिया में आवश्यक रूप से जी कारक सम्मिलित होता है, और कुछ एस कारक भी सम्मिलित हो सकते हैं। इनके अनुसार जी कारक सार्वभौमिक जन्मजात मानसिक ऊर्जा है, जो अलग अलग व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होता है और उसके जीवन में सफलता के लिए उत्तरदायी होता है। और आगे स्पीयरमैन और भी कहते हैं कि एस कारक को सीखा और वातावरण से अर्जित होता है, लेकिन जी कारक एस कारक के विकास के प्रति महत्वपूर्ण योगदान देता है। और ये कहते हैं कि एस कारक का व्यक्ति के रुझान के साथ घनिष्ठ संबंध होता है, और इसके अनुसार किसी व्यक्ति के किसी ज्ञानात्मक क्रिया में प्रदर्शन की भविष्यवाणी इस सूत्र से हम कर सकते हैं। P = G + X। पी फॉर प्रदर्शन, जी फॉर सामान्य कारक, एस फॉर विशिष्ट कारक। प्रदर्शन = सामान्य कारक + विशिष्ट कारक। गोडरे और घामसन ने भी गणितीय सांख्यिकी की चतुर्थांश समीकरण की तकनीक के आधार पर स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत में कुछ कमियां पाई थी, इसलिए उसके सिद्धांत में दूसरा कारक जोड़कर परिवर्तन किया, और उसने समूह कारक नाम दिया, जैसे ग्रुप फैक्टर थ्योरी इसको बोलते हैं, ग्रुप कारक नाम दे दिया। और स्पीयरमैन का सिद्धांत केवल द्विकारक सिद्धांत के प्रारूप पर आधारित हो गया। स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत की शैक्षणिक उपयोगिता के बारे में अगर हम बात करें, एजुकेशनल इंप्लीकेशन ऑफ स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी दैट लर्निंग ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स, समस्त दशाओं में व्यक्ति की सामान्य मानसिक योग्यता सम्मिलित होती है। छात्र की सामान्य मानसिक योग्यता उसके समस्त विद्यालय विषयों के अधिगम में कार्य करती है, और शिक्षक को अपने छात्रों के सामान्य मानसिक स्तर का सदैव ध्यान रखना चाहिए। नाउ द रोल ऑफ हेरिडिटी, सामान्य मानसिक ऊर्जा
जन्मजात या आंतरिक होती है। इस प्रकार की ऊर्जा की मात्रा अनुवांशिक कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। इसीलिए स्पीयरमैन ने व्यक्ति के बौद्धिक विकास में आनुवांशिकी की भूमिका पर बल दिया है। साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसके शिक्षकों के द्वारा अन्य शैक्षणिक उपयोगिता है कि उन्हें व्यक्तिगत विभिन्नता के मनोविज्ञान को समझना चाहिए और इसके अनुसार अलग अलग व्यक्तियों में बौद्धिक ऊर्जा की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। नाउ द सक्सेस इन लाइफ, व्यक्ति के जीवन में सफलता उसको सामान्य मानसिक ऊर्जा पर निर्भर करती है। शिक्षक को अधिकतम विद्यालय क्रियाओं में जी कारक को सम्मिलित करने का प्रयास करना चाहिए। नाउ द मॉडिफिकेशन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज, छात्र की अकादमिक उपलब्धियां अलग अलग विषयों में भिन्न भिन्न नहीं होनी चाहिए। अगर शिक्षक को सूचित होता है कि वह छात्र विशेष एक विषय विशेष के कम अंक अर्जित करता है तो उसे छात्र पर आरोप नहीं लगाना चाहिए और उसे अपनी शिक्षण नीति और शिक्षण सिद्धांतों में परिवर्तन का प्रयास करते रहना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सेलेक्टिंग द स्टूडेंट्स फॉर स्पेशल सब्जेक्ट्स, जैसे कि संगीत, पेंटिंग और चित्रकला, इसके लिए विशिष्ट मानसिक ऊर्जा की उच्च मात्रा की आवश्यकता होती है। इसलिए केवल उन छात्रों का चयन किया जाना चाहिए और इस प्रकार की क्रियाओं के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जो विशिष्ट मानसिक योग्यता की उच्च मात्रा रखते हैं। नाउ द रोल ऑफ एनवायरनमेंट, विशिष्ट मानसिक योग्यता में अधिगम और प्रशिक्षण के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए इस सिद्धांत में वातावरण की भूमिका पर भी बल दिया गया है। नाउ द एप्टीट्यूड टेस्टिंग, विशिष्ट बौद्धिक योग्यता का व्यक्ति के दृष्टिकोण के साथ घनिष्ठ संबंध है। इसलिए दृष्टिकोण परीक्षण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग होना चाहिए। नाउ द कॉग्निटिव लर्निंग, इन्होंने किसी व्यक्ति की ज्ञानात्मक क्रिया का प्रदर्शन सामान्य और विशिष्ट बौद्धिक योग्यता दोनों का संयुक्त कार्य होता है। इसलिए शिक्षकों को अपने छात्रों की सामान्य के साथ साथ विशिष्ट बौद्धिक योग्यताओं से भली भांति परिचित होना चाहिए। नाउ द 10th पॉइंट, इंटेलिजेंस टेस्टिंग, यह सिद्धांत बुद्धि परीक्षण और सांख्यिकी तकनीक के संबंध के समानांतर प्रयोग में विश्वास रखता है। यह शिक्षक की उन छात्रों के प्रदर्शन में सुधार में सहायता करेगा जो निम्न उपलब्धि करता है और शिक्षकों को छात्रों की अकादमिक उपलब्धियों को छात्रों के बौद्धिक स्तर के साथ सहसंबंधित करना चाहिए। आज का लेक्चर यहीं तक। वीडियो के कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगी, डिस्क्रिप्शन लिंक में जितने भी इंपॉर्टेंट और कन्फ्यूजिंग टॉपिक है उनके इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेंगे, टर्मन के जो मैंने ग्राफिकल ग्राफ की बात की थी वो ग्राफ मैं ड्रा करके डिस्क्रिप्शन लिंक में डालूंगा और स्पीयर्समैन डबल फैक्टर थ्योरी को भी मैं अच्छे से डिस्क्राइब करके अपने नोट्स में एलिबोरेट करूँगा। नोट्स को डाउनलोड करना ना भूलें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। द यूज़ ऑफ द प्रेस द बेल आइकन दैट व्हेन यू प्रेस द बेल आइकन व्हेन माय वीडियोज आर लाइव देन यू टेक अ स्पेशल नोटिफिकेशन ऑन योर फोन एंड यू विल टच एंड गेट माय वीडियोज एट अ टाइम। एंड नाउ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑफ माय चैनल कॉमटेरिया। कॉमटेरिया सजेस्टेड दैट सभी पढ़ें, सभी पढ़ें। कॉमटेरिया CDP के बहुत ही अच्छे और सुदृढ़ात्मक और सुसंगठित सुसज्जित कंटेंट लेकर आता है आपके सामने। ये लेक्चर्स मैं बहुत ही तकनीक और प्रौद्योगिकी के साथ बनाता हूँ। ये लेक्चर्स बराबर आते रहेंगे, कॉमटेरिया पे बराबर निःशुल्क क्लासेस चलती रहेंगी, विद्यार्थी इसका लाभ ले सकते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी और किसी भी प्रकार के शिक्षक एग्जाम्स में अभी मैं एक जरूरी घोषणा करना चाहता हूँ। आपके यूनिवर्सिटी इंट्रेंसेस चालू होने वाले हैं, BA एजुकेशन, MA एजुकेशन एंड MA इंट्रेंसेस में मेरे लेक्चर्स बहुत प्रभावी होंगे। MA इंट्रेंसेस में 3 पार्ट होते हैं, 2 लैंग्वेज के और 1 एजुकेशन के। एजुकेशन मींस BEd में आपने जो भी सिलेबस पढ़ा है उससे 80% प्रश्न 10 नंबर एक लैंग्वेज के, 10 नंबर दूसरे लैंग्वेज के। जैसे फर्ज करिए आपने हिंदी और इंग्लिश लिया है तो 10 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से, 10 क्वेश्चन अंग्रेजी व्याकरण से और 80% अकेले आपको BHU के इंट्रेंसेस में या कहीं के भी इंट्रेंसेस में अकेले शिक्षा शास्त्र से मिलेंगे। शिक्षा शास्त्र का मतलब शिक्षा मनोविज्ञान, जो कि एक चैप्टर लाई करता है आपके BEd के सिलेबस में। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के जो भी क्वेश्चंस होंगे निश्चित तौर पर यहाँ से फंसेंगे। हर लेक्चर से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर फंसेगा। टर्मन का वर्गीकरण, स्पीयरमैन द्विकारक सिद्धांत और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं अगले लेक्चर में देने वाला हूँ, थर्स्ट टेंस गो फैक्टर थ्योरी। नाउ इन विच वी डिस्कस अबाउट न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, मेमोरी एबिलिटी एंड परसेप्चुअल एबिलिटी, स्पेशियल एबिलिटी, वर्ल्ड फ्लुएंसी एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ थर्स्ट टेंस ग्रुप फैक्टर थ्योरी।
conceptual framework and functional independences of each ability. Now पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, कॉमटेरिया को सब्सक्राइब करें. कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जम कर लड़ा नहीं. सभी पढ़ें, सभी बढ़ें. धन्यवाद.